पैगामे मोहर्रम इज स्पॉन्सर्ड बाय शिमला बिरयानी। अलहाज अहमद अली वारसी, प्रेसिडेंट ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन। दानिश अखलाक, सोशल एक्टिविस्ट। सोफिया खान, जनरल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल तृणमूल माइनॉरिटी सेल। दानिश इकबाल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब। हुनेस फातिमा, फाउंडर दारवा हेल्पलाइन सोसाइटी। मोहम्मद जाहिद, सोशल एक्टिविस्ट वार्ड नंबर 60। नदीम अहमद खान, सोशल एक्टिविस्ट। रुखसाना बेगम, सोशल एक्टिविस्ट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया पर खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ जमशेद, और आज हम एक बार फिर से आप सभी के सामने पैगाम मुहर्रम लेकर हाजिर हैं। आप सभी को बता दें कि अब हम मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक से ये जो हमारा पैगाम मुहर्रम का ये जो पेशकश था वो हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। हमने तमाम उलमाए किराम के साथ मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक से बहुत सारी बातों को जानने की कोशिश की। अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारे साथ अलहाज हज़रत मौलाना रोशन ज़मीर नूरी साहब हैं। हम उनसे पैगाम मुहर्रम के ताल्लुक से कुछ मुख्तसर सा बयान करने का दरख्वास्त करते हैं। मां साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि पैगाम मुहर्रम को लेकर एक मुख्तसर सा बयान दें, और फिर आखिर में हम आपसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि आप तमाम आलम के लिए, पूरे दुनिया के लिए दुआ करें। नाज़रीन सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं हालात बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया का मशकूर व ममनून हूँ कि ये दोनों चैनल ने मिलकर के पैगाम मुहर्रम के नाम से एक इंसानियत का, रूहानियत का, ईमानियत का, और इमाम हुसैन से किस तरह मोहब्बत की जाए, और इस माह मुहर्रम हमें क्या पैगाम देता है, इस पैगाम को आम करने के लिए हज़रत आदम से लेकर हज़रत इमाम हुसैन तक क्या हुआ, उस चीज़ को इन्होंने नष्ट किया। मैं ये दोनों चैनल का बहुत बहुत मशकूर व ममनून हूँ, और दुआ करता हूँ कि इनके ज़रिए से इस तरह के पैगाम को और भी ज़्यादा आम किया जाए, और दोनों चैनल के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो CEO हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें, रहमतें, वसतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा, अम्मा बाद, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم। الله سبحانه وتعالى अपने पाक कलाम में इरशाद फरमा रहा है, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, हम उनके ज़िंदगी को समझ नहीं सकते, ये अलग बात है, और उन्हें जन्नत से गिज़ाएँ दी जा रही हैं, हम नहीं, बल्कि कुरान का ये फरमान आलीशान है। माशाल्लाह, पहले मुहर्रम से लेकर के 1443 हिजरी है, 1443 हिजरी, अब तक चल रहा था 42, ये 43 हिजरी हो गया, 1921 और 1443 हिजरी की पहली तारीख से अब तक अलग अलग उलमाए किराम ने पैगाम दिया माह मुहर्रम, पैगाम मुहर्रम के नाम। आखिर में एक पैगाम है, वो पैगाम ये है कि एक जानवर अगर बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, उसे दवा दी जाती है, अगर खून की ज़रूरत है तो खून दिया जाता है। अभी ये कोरोना काल में पूरी दुनिया में लोग बीमार चल रहे हैं, अगर उन्हें ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन दी जा रही है, खून की कमी है तो खून दिया जा रहा है, तब जाकर के एक इंसान जो है दुनिया में ज़िंदगी गुजारना आसान हो रहा है। ये कोरोना काल में
जिस तरीके से जो आदमी बीमार पड़ जाए तो डॉक्टरों की जरूरत है और दवा की और खून की जरूरत है। एक दौर आया जिस दौर में यजीद ने इस्लाम को बीमार कर दिया था अपने अमल को दिखा करके, अपने किरदार को दिखा करके, बल्कि इतना इस्लाम बीमार हो गया था कि गोया के जमीन पे लेट चुका था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के खानदान के लोगों के खून की जरूरत थी, खानदान के लोगों के शहादत की जरूरत थी। जैसे जैसे औनो मोहम्मद जो है जाम शहादत नोश फरमाए, इस्लाम जो सो गया था यजीद के खलीफा बनने के बाद वो उठ गया। जब हजरत अली असगर जो है शहादत का जाम नोश फरमाए तो इस्लाम खड़ा हो गया। और हजरत इमाम हुसैन के खून को जब अल्लाह की राह में पेश किया इमाम हुसैन ने तो इस्लाम जिंदा हो गया और दौड़ने लगा। इस तरह दौड़ने लगा जिस तरीके से एक इंसान को खून की कमी होती है और डॉक्टर उसे खून देता है तो जिस्म में जान आ जाता है, उसी तरह इस्लाम मिटने के कगार पे आया था। मुस्तफा जान रहमत का नवासा हजरत फातिमा ज़हरा का दिल का टुकड़ा हम सब के हुसैन इमाम हुसैन अपने सर को सजदे में जाकर के शहादत जामे शहादत नोश फरमाते हैं और इस्लाम को जिंदा कर देते हैं। इस्लाम दौड़ने लगता है, इस्लाम चलने लगता है, इस्लाम का झंडा बुलंद हो जाता है। उसी दिन से यजीदियत खत्म हो जाता है और हुसैन जिंदा हो जाता है। उसी दिन से इस्लाम खत्म, इस्लाम जिंदा। अल्लाह सुभान व तआला ने इमाम हुसैन के जरिए पूरे दुनिया में इंसानियत का भी पैगाम दिया, साथ में अपने महबूब के दीन को, कुरान के पैगाम को, नबी के सुन्नत को इमाम हुसैन के खून ने जिंदा कर दिया। इमाम हुसैन के खून ने जिंदा कर दिया। इसलिए कि अगर ये महीना से पहले वाला महीना भी कुर्बानी का है लेकिन उसमें इम्तिहान है या हकीकत है, उसमें इम्तिहान था किसमें? ज़िलहिज्जा में इम्तिहान था। इम्तिहान में इस्माइल और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए तो रब ने जो है जन्नत से दुम्बा भेज दिया और उस पर छुरी चली और यह हकीकत में चाकू चला। अल्लाह अकबर। यहां पे इस्लाम को खून की, आम लोगों के खून की नहीं, अहले बैत के खून की, ताकि दुनिया इसे याद रखे। तो भाइयों, बुज़ुर्गों, अजीज़ों, पूरे दुनिया के लोगों को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन सिर्फ और सिर्फ रब की रज़ा के लिए, अपने नाना जान के दीन के लिए, क़ुरान की बका के लिए, सुन्नत मुस्तफ़ा की बका के लिए, ख़ुद को, पूरे ख़ानदान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और ये बता दिया कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब आपसे पूछा जाए कि तुम्हारा जान ज़्यादा प्यारा है या तुम्हारा ईमान ज़्यादा प्यारा है, तो हमें उस वक्त फैसला करना है कि हमारा ईमान ज़्यादा प्यारा है, हमारा मज़हब ज़्यादा प्यारा है, हमारा रब ज़्यादा प्यारा है, हमारे रब का पैगाम ज़्यादा प्यारा है, हमारा इस्लाम का जो पैगाम है वो ज़्यादा प्यारा है, मेरे नबी का सुन्नत ज़्यादा प्यारा है। उसकी बका के लिए मैं ख़ुद को भी और अपने आल औलाद को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। यही इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है 10वीं मुहर्रम को, और यही मेरा भी पैगाम है नाज़रीन सामईन कि आप हज़रात भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जाते जाते पैगाम दिया है कि लोगों, फज्र की अजान हो तो बिस्तर पे ना रहना बल्कि उठ कर के वजू करके सजदे में सर रख देना, ताकि इमाम हुसैन के उस सजदे को याद करके उसको तुम जिंदा रख सको। आज लोग बिस्तर में सोना पसंद करते हैं, अजान सुनते हैं, सोए रहते हैं।
जोहर की अजान सुनते हैं, काम काज में लगे रहते हैं, असर की अजान सुनते हैं इधर उधर फिरते रहते हैं, मगरिब की अजान सुनते हैं रोल खा रहे होते हैं। बड़े अफसोस की बात है मुसलमानों, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। बल्कि जब अजान की आवाज़ सुने तो आप मस्जिदों में जाएं, अगर मस्जिद करीब ना हो तो जहाँ पे पाक साफ जगह हो जा नमाज बिछाएं और खड़े हो जाएं, पेशानी में सजदे के लिए तड़प पैदा करें, दिल को रब के सामने झुकाएं और दुआ करें, मौला हमारी और हमारे तमाम मुल्क के रहने वाले इंसान की, हमारे भाइयों की, हमारे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की हिफाजत फरमा। अभी के दौर में ख़ास तौर से दुआ करें मौला कोरोना जैसी महामारी बीमारी से पूरे आलम को महफूज फरमा, साथ में हमारे मुल्क भारत को महफूज फरमा, हमारे भारत में रहने वाले तमाम नागरिक को महफूज फरमा। मैं यही आज के इस पैगाम मुहर्रम में यही दुआ भी कर रहा हूँ, यही पैगाम भी दे रहा हूँ कि तमाम भाइयों से गुजारिश है, अपने लिए भी, पड़ोसी के लिए भी और तमाम इंसानियत के लिए दुआ करें। ख़ास तौर से इमाम हुसैन का ये पैगाम रहा है कि आप खुद भी अच्छा खाएं आशूरा के दिन, अपने पड़ोसियों को भी अच्छा खिलाएं, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाएं, ना हो सके तो कम से कम रोज़ा रख के उन्हें अच्छा पानी पिलाएं, खजूर खिलाएं, इस नीयत से कि 10 तारीख को आप अगर बेहतर से बेहतर अपने घर वालों को, बच्चों को, खेशो अकारिब को अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पिलाएंगे तो रब सुभान व तआला पूरे साल आपके घर में फराखी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये पैगाम है और दुआ है, अल्लाह ताला जो है हमें और आपको हज़रत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत और उनके बताए हुए रास्ते पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बि व अतूबु इलैही बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। अल-फातिहा। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शह मुश्किल कुशा का साथ हो, या इलाही भूल जाओ नज़ा की तकलीफ़ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारा कुल मुस्तकीम बहक़ या गना बदू या गस्तीन इहदिन सिरातुल मुस्तकीम इहदिन सिरातुल मुस्तकीम इहदिन सिरातुल मुस्तकीम। या अल्लाह हालात बंगाल डिस्ट्रिक्ट इंडिया वालों ने तेरी और तेरे महबूब की मोहब्बत में और महबूबों की मोहब्बत में उलमा से मोहब्बत करके, उलमाए किराम को बुला करके तेरे महबूबों के तस्करे को और शोदाए करबला के तारीख को इन्होंने बयान करवाया लोगों तक, अच्छे बहुत बेहतरीन गुफ्तगु को लोगों तक सुनाया और बताया है मौला, इनके इस नेक इसमें जो नेक अमल है उसे कबूल फरमा और कबूल फरमा कर मौला अपने शान में इसे कबूल फरमा कर इसकी जो इसका जो सवाब है तमाम अम्बिया आला नबीन अलैहिस्सलाम अज़वाज मुतहरात खुलफा राशिदीन सहाबे इकराम ताबीन तबाबीन ख़ास तौर से शोदाए करबला की बारगाह में पेश कबूल फरमा, उनके दर्जात को बुलंद बाला फरमा, अहले बैत अतहार के दर्जात को बुलंद बाला फरमा, तमाम शोदाए करबला के दर्जात को बुलंद बाला फरमा, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके ख़ानदान वाले के दर्जात को बुलंद बाला फरमा मौला, साथ ही साथ तमाम सिलसिला कादरिया सहरवर्दिया नक्शबंदिया चिश्तिया अशरफिया रजविया हबीबिया के बुजुर्गों की बारगाह में पेश कबूल फरमा, उनके दर्जात को बुलंद बाला फरमा माँ मौला, पूरे दुनिया में जहाँ भी इंतशार खलफशार है उसे दूर फरमा, अमन व शांति फरमा, हमारे मुल्क में भी अमन व शांति फरमा, हमारे मुल्क के लोगों की, हमारे मुल्क में रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत फरमा मौला। अपने हबीब के वसीले से जो लोग 10वीं मुहर्रम को खुराफात में लगे रहते उन्हें बचने की तौफीक अता फरमा, जो गुनाहों में मुलविस रहते उन्हें महफूज फरमा, और रोज़ा रखने की, नमाज पढ़ने की, गरीबों मिसकिनों को खाना खिलाने की दिल में शौक़ जज्बा अता फरमा मौला। हम सबको अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, हम सबको इमाम और उलमा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा मौला, हम सबको बच्चों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, मोहल्ले वालों के हुकूक, मस्जिद मदरसों के हुकूक अदा करने वाला बना मौला, ईमान के साथ रख, ईमान के साथ खात्मा फरमा मौला, हम सबको अपने हबीब के सुन्नतों पे अमल करने वाला बना, और हम सबको, हम सब के वालदैन को ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होना नसीब फरमा मौला, हम सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा मौला, जितने उलमा ये 10 दिनों में बयान किए हैं उलमाए मौला, उलमाए अहल सुन्नत, उन सब के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा
मौला ईमान की हिफाजत फरमा, अपने हबीब के वसीले से हम सब के हक़ में और ख़ास तौर से अशफाक भाई, परवेज़ भाई, जमशेद बाबू, इन सब के और इन सब के आल औलाद घर वालों के हक़ में हम सब की दुआ को कबूल फरमा, और जितने इनके साथ जुड़े हुए हैं शारिकीन पैगाम मुहर्रम में, उन तमाम शारिकीन के उम्र में, रिस्क में, इल्म में, सेहत में बरकत रहमत वसअत अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء محبته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब। हमारे साथ अलहाज हज़रत मौलाना रोशन ज़मीन नूरी साहब थे। इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में पैगाम मुहर्रम के बारे में बताया और साथ ही तमाम आलम के लिए दुआ की। हम ये आखिरी एपिसोड में पहुंच चुके हैं मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक से। जो पैगाम मुहर्रम लेकर हम आपके सामने हाज़िर हुए थे, हमने पिछले साल भी ये पैगाम मुहर्रम लेकर आपके सामने हाज़िर हुए थे। आप लोगों के डिमांड पर इस साल भी हमने ये कोशिश की और बेहतरीन अंदाज़ में आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक से जो बातें हमें जानना ज़रूरी था, और आलिम ए हर दिन हर रोज़ नए नए आलिम दीन के साथ हमने गुफ्तगू की, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, करबला के मैदान के वाक़यात और आशूरे के दिन की फजीलत, मुहर्रमुल हराम की बरकत, तमाम चीज़ों को लेकर आपके सामने हाज़िर हुए और आप लोगों को ये चीज़ बताने की कोशिश की कि आखिर मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक से हमें क्या पैगाम मिलता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार हमारे अंदर कैसे आ जाए, हमारे अंदर करबला के जो करबला के मैदान में जो वाक़यात पेश आए उनसे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, ये हमारा असल मकसद था और हमें इस बात पर अमल करने की ज़रूरत है। हम अपने तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, हम अपने व्यूअर्स, हम अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप लोगों का मोहब्बत ही है, आप लोगों का प्यार ही है जो आज हमें इन सब चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी बने रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया के साथ। हम फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। शुक्रिया।